गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर जीके क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, एनिमल्स क्रॉसवर्ड। आपको ये एक पज़ल दिया हुआ है, इसमें जो आपने फिल करना वो है नेम ऑफ एनिमल्स। आपको उसके कुछ हिंट दिए हुए हैं नीचे, तो हिंट के अकॉर्डिंग ये आपने नाम यहाँ पे जो है फिल करने हैं। ये जो नाम है वो खुद फिल करोगे आप। मैं आपको हिंट समझा देती हूँ इसके कैसे करना है। आपको डाउन डाउन मतलब ये जो 6 हिंट हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपने डाउन को फिल करना है एनिमल का नाम। डाउन को मतलब कि ऐसे ही, जैसे ये फर्स्ट है इसको ऐसे, ठीक है बेटा। और अक्रॉस, अक्रॉस को ऐसे, जो अक्रॉस का वर्ड आएगा आपके पास, एनिमल का नेम आएगा, वो आपको ऐसे फिल करना है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं। डाउन में दिस वर्ड यूजेज इट्स विंग्स टू स्विम। ये जो वर्ड है ये अपने पंख जो है वो तैरने के लिए यूज़ करता है। और बात बता देती हूँ इसके बारे में, वर्ड के बारे में आपको, कि ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स, ये है तो एक फिश लेकिन दिखती किसकी तरह है, हॉर्स की तरह है, ठीक है बेटा। और ये सी में पाई जाती है, इसका नाम भी जो है वो हॉर्स के साथ, जब हम सी प्लस हॉर्स, तो आप अभी राइट कर सकते हो कि मैंने क्या आंसर दिया। दिस मैमल लिव्स लाइक अ फिश, ये एक मैमल है और रहती किसकी तरह है, फिश की तरह। हम इसको वैसे ज़्यादातर इसको फिश ही बोलते हैं, ओके बेटा। तो लेकिन है क्या, ये मैमल है। दिस बर्ड नेबर बिल्ड्स इट्स नेस्ट, ये जो बर्ड है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में ही अपने जो एग्स है वो ले करती है। अ बर्ड हु सीज इट्स नेस्ट एज अ टेलर सीज अ क्लोथ, कहता कि ये एक ऐसा बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है वो इस प्रकार सिल लेती है जैसे एक टेलर जो है कपड़े को सिल देता है, ठीक है बेटा। सिल जैसे एक टेलर कपड़ा सिलता है, ये जो बर्ड है वो भी अपने नेस्ट को इसी प्रकार से सिल देती है। और इसका आंसर जो है इसके बीच में ही पड़ा है, और थोड़ा सा क्या है, दोनों वर्ड्स जो हैं वो बस ऊपर नीचे हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर इसमें ही पड़ा है, आपने ध्यान से देखना। इट लुक्स लाइक अ टोटोइस बट लिव्स अंडर वाटर, ये जो है ये एनिमल ये टोटोइस की तरह दिखता है लेकिन पानी के नीचे रहता है, लीव रहता का है अंडर वाटर, और इसके ऊपर भी एक शेल होती है जैसे टोटोइस की, टोटोइस के होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 7th, दिस मैमल हाइबरनेट्स इन विंटर्स, ये जो एनिमल है वो विंटर्स में ये जो मैमल है वो सर्दियों में हाइबरनेट करता है। दिस सी क्रेचर हैज़ 8 आर्म्स, ये एक सी क्रेचर है, ये सी में रहता है और इसकी आर्म्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 8, ओके बेटा। इसकी आपको पिक भी दी हुई है ऊपर। इट इज़ अ एनिमल विद अ लॉन्ग ट्रंक, ये एक ऐसा एनिमल है जिसके पास एक लंबी ट्रंक होती है। ट्रंक क्या होता है, सूंड। तो आपने ये देखना है कि किस एनिमल के ट्रंक होती है। अ फ्लाइटलेस बर्ड ऑल्सो द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ान नहीं भर सकता ऊपर आसमान में, और ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी है। आपको एक बात बताती हूँ इसके बारे में, और इस एनिमल का, इस बर्ड का सॉरी, जो नाम है वो ऑल्सो एक फ्रूट का नाम है, फ्रूट का नाम भी वही है और बर्ड का नाम भी वही है। अब आप इजीली कर पाओगे। इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, ओके बेटा।
दिस बर्ड कैन नॉट मूव इट्स आइज, ये जो बर्ड है लास्ट वाला ये अपनी आइज क्या है मूव नहीं कर सकता, ओके और इसके बारे में और एक हिंट है, ये जो बर्ड है ये रात को जागता है और दिन में देख नहीं सकता, इसलिए ये रात को जागता है। ठीक है बेटा, तो रात को कौन जागता होता, उसे वो, इसको आप इंग्लिश में देख लो क्या होता है। ओके बेटा, तो ये था आपका लेसन नंबर 9 और आपने अब ये पज़ल सॉल्व करना है। इट इज़ योर टू डेज होमवर्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।